बच्चा पता ही छिलक बा तनी धारा ताई धारा छिलक तनी धारा ना कैसन लगा तला हो बच्चा तनी ओरी कहाँ ले पते तुरला हा हेलो दोस्तों, फिर से आप लोग का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। और हम लोग आ चुके हैं नदी। राजेश भैया यहाँ पे सोए हुए हैं, देखिए आराम कर रहे हैं। खेत पटाना ही वाला आलू का खेत। और हम लोग अमरूद खा रहे हैं, अमरूद के पेड़ पे हम अभी बैठे हैं। और बहुत मीठा अमरूद लग रहा है, एकदम बहुत गजब मीठा है। ये अभी पूरा पका नहीं है, हरा हरा है, इसको हम छील के खा रहे हैं। बहुत मीठा लग रहा है और ऐसा अमरूद खाने के लिए नहीं मिलेगा, शायद बाज़ार में नहीं मिलेगा। पेड़ से तोड़ कर खाएँगे तभी मिल सकता है। देख रहे हैं साइज बहुत बड़ा बड़ा है, एक अमरूद एक पाव का है। और इसको हम खा लिए हैं, देखिए किस डिज़ाइन में खाए हुए हैं। और राजेश भैया अभी अमरूद खा रहे हैं, दिखाइए जी। हेलो, देखिए मन नहीं लग रहा है यार, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत छोड़ कर इधर आए हैं। टाइम पास के लिए आए हैं हम लोग इधर नदी। और अमरूद का पेड़ देखिए कैसा है, छोटा सा पेड़ है, एक दो है, राजेश भैया के खेत में लगा हुआ है। और मीठा है। और अमरूद आप लोगों का कैसा लगता है बताइए। पानी चल रहा है यहाँ पे, देखिए राजेश भैया कैसे खेत पटा रहे हैं। खेत देखिए, हमारे गांव में ऐसे ही खेत पड़ता है, वहां पे पानी गिरा दिया गया है। पाइप का टुकड़ा है नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ से ऐसे खेत में, अपना ही खेत है, और ऐसे पानी ला रहे हैं। मेन खेत इसको पटाना है। यहाँ पे आलू रोपा गया है, देख रहे हैं क्यारी बनाकर आलू, देखिए ऐसे क्यारी बना के रोपा गया है आलू। अभी छौंका दिया रहा है, छौंका बोलते हैं। चुटी अब रायदा हो गई।